बात आज बता रहा हूँ नेशनल स्टेडियम की। 21 अप्रैल 1955 को फॉर्म हुआ था, जो ऑफिशियल इसमें कैपेसिटी है 34,228 लोगों की। 26 फेब से 1 मार्च तक पहला क्रिकेट टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1956 में खेला गया है। यह अलहदाबाद है, मैच ड्रॉ हुआ था। और अभी रिसेंटली 26 से 30 जनवरी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का टेस्ट है, जो आज स्टार्ट हो गया है। पहला ODI 21 नवंबर 1980 वेस्ट इंडीज़। यार क्या थ्रिलिंग मैच था, 40 ओवर का मैच था और अगरचे पाकिस्तान ने सिर्फ 127 रन बनाए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को 128 बनाने मुश्किल पड़ गए थे। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2019 को श्रीलंका के साथ जो मैच हुआ वो आखिरी मैच था। 2020 पहला 20 अप्रैल 2008 को बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था। 3 अप्रैल 2018 को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। शुरू के जो 34 टेस्ट मैच थे उनमें पाकिस्तान कोई मैच नहीं हारा था और 17 मैच जीते थे उनमें से, और ये एक हैरत अंगेज रिकॉर्ड है जो आज तक किसी स्टेडियम के पास नहीं है। फिर आखिरकार इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक मैच, जिसे मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती हराया गया था इंग्लैंड पाकिस्तान को, जिस तरह इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को ज़बरदस्ती 2019 के वर्ल्ड कप में हराया था। मगरब के बाद बग़ैर फील्ड लाइट के मैच को कैरी ऑन रखा गया। स्टीव बकनर बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल था उसका रिज़ल्ट। टोटल 40 में से 2 मैच ही बस अभी तक कराची में हारा है, और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जी मौजूदा टेस्ट बहरहाल जीत जाए पाकिस्तान, क्योंकि रैंकिंग वैसे ही बहुत नीचे आई हुई है पाकिस्तान की इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में। और आज शुरू हो चुका है, 5 विकेटें गिर गई हैं साउथ अफ्रीका के। सिलेक्शन पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क 11 प्लेयर्स पे ज़रूर आए, क्योंकि टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसमें 2 प्लेयर ऐसे हैं जो वनडे के स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तानी टीम में।